वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में मैं गुरकीरत कौर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं एशिया के लार्जेस्ट मेस के बारे में, और ये मेस और कोई नहीं है नेशनल डिफेंस एकेडमी का सेंट्रल करेज मेस है, जिसको कि एशिया का लार्जेस्ट मेस बोला जाता है। अब सबसे पहले बात की जाए कि भाई इतना बड़े मेस की क्या रिक्वायरमेंट थी नेशनल डिफेंस एकेडमी में। बेसिकली कॉन्सेप्ट ऐसा था कि एक सिंगल मेस होना चाहिए, जिसका एम होना चाहिए कि जॉइंट सर्विसेज के टुगेदरनेस को प्रमोट करे। जैसे कि आप सभी जानते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों विंग्स के कैडेट्स की ट्रेनिंग, जो कि इनिशियल ट्रेनिंग होती है, वो नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पुणे में होती है। सो इसका एक बेसिक मोटिव था कि इन तीनों ही कैडेट्स के जो विंग्स हैं उनके अंदर एक तरीके से जॉइंटनेस और यूनिटी प्रमोट की जाए, जिसकी वजह से एक सिंगल मेस का एम लिया गया। साथ ही साथ में ये एक होम अवे फ्रॉम होम होता है, वेयर यंग कैडेट्स होते हैं वो अपना ब्रेक लेते हैं, ब्रेड टुगेदर करते हैं जिसको बोलते हैं, दैट इज डाइनिंग टुगेदर करते हैं और डेवलप करते हैं स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ में, क्योंकि खाने के टेबल पे ही अक्सर बहुत सारी दोस्तियां बनती हैं और साथ ही साथ में सेटिस्फैक्शन मिलता है। बेसिकली ये जो पूरा मेस है आपका 145.2 × 28.4 मीटर्स का मेस है, और इसका जो लार्ज डाइनिंग टेबल है जिसके अंदर सीटिंग कैपेसिटी है ओवर 2100 कैडेट्स की, तो आप सोच सकते हैं कि ये 2100 कैडेट्स को एक बार में खाना खिलाने में किचन सक्षम है, और इसके अंदर 3 डेडिकेटेड किचन्स हैं और फुली फंक्शनल बेकरी भी है। और आइए अब हम बात कर लेते हैं इस पर्टिकुलर जो मेस है उसके इंटीरियर के बारे में। जब भाई इतना बड़ा मेस है सो डेफिनेटली बात है इंटीरियर में भी बहुत खास बात होने वाली है। सो बेसिकली ये जो मेस है इसकी जो इंटीरियर की वॉल्स है वो एस्थेटिकली डेकोरेटेड है विद माउंटेड स्वॉर्ड्स, पिस्टल्स, फ्लैग्स, पोर्ट्रेट्स, पेंटिंग्स, बिकॉज ये सारी चीज़ें क्या करता है ना, मोटिवेशन ऐड करता है। जब स्टूडेंट्स, जब कैडेट्स बेसिकली वहाँ पे जाते हैं, डाइन करते हैं, ब्रेकफास्ट लेते हैं या फिर लंच लेते हैं, मोरओवर ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये भी उनके अंदर एनर्जी क्रिएट करती है। मोरओवर जो इसका सेंट्रल सेक्शन है जो हॉल का है उसके अंदर एक लार्ज डांस फ्लोर भी है, एंड ब्यूटिफुल रिलीफ्स हैं ऑफ फेमस डांसर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड स्कल्प्टेड ऑन बर्मी स्टीक पैनल्स बाय आर्टिस्ट ऑफ मुंबई'स जे स्कूल ऑफ आर्ट्स। मोरओवर एक्सटेंडेड ऑन बोथ साइड्स एज द वेस्ट विंग एंड द ईस्ट विंग इन 1999 एंड 2000 रिस्पेक्टिवली, इट इज द थर्ड लार्जेस्ट, कैन यू बिलीव, थर्ड लार्जेस्ट मेस इन द वर्ल्ड एंड वन ऑफ द एक्सक्लूसिव सिंबल्स ऑफ सॉलिडेरिटी एंड जॉइंट मैनशिप। सच अ वंडरफुल मेस, राइट। अब अगर हम बात करें द आर्किटेक्चुरल ग्रेस ऑफ कैडेट्स मेस के बारे में, तो ये एक परफेक्ट ब्लेंड है ऑफ आर्टिस्टिक ब्यूटी एंड मैग्निफिसेंट क्राफ्ट्समैनशिप इन द पेशवा स्टाइल। कंस्ट्रक्शन वर्क इस हिस्टोरिकल मेस का स्टार्ट हुआ था 1949 में, एंड 1954 में ये कंप्लीट हो गया था अंडर द विजिलेंट सुपरविजन ऑफ WX Marcelinus, the then principal college of engineering Pune, and basically ये जो functionality थी इस particular mess की ये 1955 में start हो गई थी, and first official dinner ये किसको host किया गया था, ये host किया गया था for श्री मोरारजी देसाई जो तब वहाँ के chief minister थे। The dignitaries who have graced the mess on different occasions includes Queen Elizabeth II, Prince Philip, Marshal N.A. Bulganin, N.S. Khrushchev, Shiu Enlai, Ghafur Mohammad Nimeri, Mahavir Ji Lano Kongon, Shri Rajendra Prasad Ji, Shri Sanjeev Reddy, Shri A.P.J. Abdul Kalam, Shrimati Pratibha Patil, Pandit Jawaharlal Nehru and Shrimati Indira Gandhi. So these kind of dignitaries have also been a part of this wonderful mess aur aaye hain, kafi bar visit kiya hai. वैसे तो नेशनल डिफेंस एकेडमी मेस से रिलेटेड काफ़ी सारे किस्से हैं। एक ऐसा ही किस्सा है इस मेस के एक ट्रेन ट्रेडिशन के बारे में, इस ट्रेन ट्रेडिशन को मैं अपनी अगली वीडियो में कवर करूंगी, बने रहे हमारे YouTube चैनल के साथ में। और यदि आपको मेरी ये छोटी और मोटी सीरीज पसंद आ रही है फॉर NDA मोटिवेशन, डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड हिट दी बेल आइकन। मोर ओवर और वीडियोज़ के लिए आप प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। सो वेट फॉर दिस स्ट्रेंज ट्रेडिशन ऑफ करेज मेस एट NDA इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, जय हिंद, ऑल द बेस्ट।